कॉन्स्टिपेशन के कारण होता नहीं है, पाइल से अंदर फर्स्ट स्टेज में होता है, फिर सेकंड स्टेज में आता है, लेकिन तभी ध्यान नहीं दिया जाता है या तो निग्लेक्ट करते हैं, उस समय कभी कभी पाइल से एकदम फर्स्ट से बर्स्ट होता है। जो बवासीर में पाइल्स में जो ब्लीडिंग होता है, कभी कभी क्या होता है कि लोगों को ध्यान नहीं दिया जाता है कि कॉन्स्टिपेशन के कारण होता नहीं है, पाइल्स अंदर फर्स्ट स्टेज में होता है, फिर सेकंड स्टेज में आता है, लेकिन तभी ध्यान नहीं दिया जाता है या तो निग्लेक्ट करते हैं, टाइम के कारण या लज्जा के कारण लोग अवॉइड करते हैं, उस समय कभी कभी पाइल्स एकदम फर्स्ट से बर्स्ट होता है, और बर्स्ट हुआ और ब्लीडिंग यानी खून की धार लगती है और लोगों को फिर डर लगता है कि अभी क्या करें। उस समय जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड कापूस पे लेके वहाँ पे दबा के रखना है और 5 मिनट के बाद निकलना है और 2 दिन तक घी का सेवन करना है, घुरुत्तपान बोलते हैं वो हिसाब से, 1 वाटी में गर्म पानी में 5-5, 6-6 चम्मच घी डाल के वो पीना है, और घी पीने से तुरंत उसको रिलीफ मिलता है, सॉफ्टनेस आता है, जो ड्राई हो के स्किन फट गया है वो घी के कारण फिर ऑयली हो जाता है और ब्लीडिंग रुक जाता है, लेकिन ये टेम्पररी इलाज है। उसके बाद अपने को ये पाइल्स का जो मेरा वजन 417 है वो तो उसको ट्रीटमेंट करना ही है, क्योंकि सिर्फ ट्रीटमेंट और ओरल मेडिसिन से ब्लड रुक गया, बट डेट इज़ अ फॉर टेम्पररी। फिर स्टूल को जोर हार्ड हुआ, फिर स्टूल को जोर लगाया, तो पाइल्स तो उसके गुदा के मुंह पे आके बैठे हुए हैं, उसके लिए बर्स्ट हुए हैं, और उसके लिए बर्स्ट हुए इसके लिए ब्लीडिंग हुआ, तो टेम्पररी ट्रीटमेंट ठीक है, लेकिन परमानेंट इलाज करना तो उसको ये ओजोन 417 जो मैं ट्राई करता हूँ और 5 मिनट में रिलीफ देता हूँ, पेशेंट 5 मिनट में घर में जा सकता है, ये ट्रीटमेंट सबसे बेस्ट है। रोज़ मलहम लगाना, रोज़ गोली खाना, उससे अच्छा ये 5 मिनट का प्रोसेस सबसे बेस्ट है, और पेशेंट को कुछ भी रिस्ट्रिक्शन के सिवा आराम से घर जा सकता है।